मॉर्निंग, इट्स मी देविना एंड आज मेरा व्लॉग है. आज संडे है और आज हम लोग आए हैं टेडएक्स टॉक पे. टेडएक्स बेलिंदुर में टेडएक्स टॉक होने वाला है, उसमें हम आए हुए हैं. और मेरा मेन मोटिव यही है कि लैरिसा आने वाले हैं, तो जैसे ही मुझे पता चला कि वो आ रहे हैं तो हम लोगों ने टिकट बुक कर ली. और टिकट की प्राइसिंग थी 2000 पर पर्सन, तो और उसमें से हम लोगों ने कुछ डिस्काउंट किया तो 1800 कुछ पड़ा. 18 विपिन से हाय. हाय गाइस. So that's what our today's plan it and I'm going to take you guys of course with me कि कैसा experience है और क्या क्या हुआ सब कुछ. और अच्छा हाँ, मैं coming to the pricing, 1800 लगा हमें. और 1800 में हम लोगों का स्नैक्स रहेगा 11 o'clock, एंड लंच भी है और टी ब्रेक भी है इवनिंग. सो इट्स अ टाइम ऑफ 9 to 5:30. सो हम लोगों को 8 o'clock रीच करना था, हम लोग 8 o'clock पहुँच चुके हैं. मैं जो भी कुछ होगा, कौन कौन आ रहा है और जो भी मेरी जानकारी होगी, मैं सब कुछ शेयर करने वाली हूँ. तो स्टे ट्यून. इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग. आई मेक वीडियोज रिलेटेड टू ट्रैवल एंड लाइफ स्टाइल. सो या गाइस, सी यू इन अ बिट. Hey guys, so I'm back from the event. जो TEDx का TEDx talk था, वहां से मैं वापस आ गई हूँ. तो मैं सोची कि मैं अभी फिल्म करके बता देती हूँ कि क्या क्या हुआ और कैसा था मेरा एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली. तो गाइस, सबसे पहले आई टेल यू कि फ्रॉम वेयर आई गेट टू नो अबाउट दिस TEDx talk, बिकॉज आई मिस दिस कन्वर्सेशन. सो गाइज, मुझे इंस्टाग्राम में TEDx बेलिंदुर ने पिंग किया था कि दे आर ऑर्गेनाइजिंग दिस एंड ऑल दिस थिंग. So from that I get to know that this thing is happening and this many people are coming. उसमें से मेरा सबसे पहला जो नजर गया वो Larrisa थे of course. तो मैं सोची कि क्यों ना जाया जाए. तो 2000 रुपीज था फीस और हम लोग को लगा कि let's go and experience because this will be going to be our first experience of TEDx talk. उसके बाद फिर सबसे पहले जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है तो फर्स्ट सेशन के बाद एक 11:30 को टी ब्रेक था. तो उसमें ही मैं ट्राई कर रही थी कि मुझे Larrisa के पास जाना है और उनके साथ बात करके फोटो तो खिंचाना है. सारे स्पीकर तो एक साइड थे, वो एक साइड थे, ऐसा था मेरे लिए. तो या मतलब बहुत सारे लोग, मतलब जितनी भी लड़कियां थी वहां आई थी, शायद सारे जानती थी उनको, तो सब लोग उन्हीं के आसपास ही थे. तो यस गाइज, मैं हम लोग मिले उनसे और वो बहुत ही ज्यादा मतलब डाउन टू अर्थ, जैसे कि मैं सुनते आ रही हूँ, मतलब जो भी मिलता है वो सब लोग यही बोलते हैं. सो दैट इज टोटली ट्रू. वो बहुत ही अच्छे हैं. मतलब जैसे ही मैं उनसे गई, वो किसी और के साथ कन्वर्सेट कर रहे थे, तो मैं गई, मैं खुद इंट्रोड्यूस कराई अपने सबको कि आई डोंट लर दैट आई एम बिग फैन ऑफ यू. और वो ने बोले थैंक्स अ लॉट करके. उसके बाद फिर मैंने बोला कि बिकॉज ऑफ यू ओनली आई एम कमिंग हियर. तो फिर यस, तो बहुत खुश थे वो, बहुत अप्रिशिएट किए इस चीज को. फिर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए ऐसे ही करके कि फिर हम लोग बैठे थे. आपको जैसे पिक में या वीडियो में मैं डालूंगी या तो देखेंगे. तो बहुत अच्छा. तो सब लोग उनसे यही पूछ रहे थे कि बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि मैं आपको इसमें मैं आपको हम लोग का जो कन्वर्सेशन हुआ है मैं आपको वो बताती हूँ. मतलब सबसे बड़ी एक पॉइंट जो मैंने उनसे आज सीखी है वो ये है कि डोंट एक्सपेक्ट एनी वन टू से दैट यू आर डूइंग ग्रेट जॉब और लाइक दैट. कीप यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ और अपना मतलब कंटेंट क्रिएट करते रहिए, कोई ना कोई जरूर आपको देखेगा. तो वो बहुत ही अच्छी चीज थी जो मेरे एकदम दिमाग पे आ गई है. तो वो मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ. सो वही सब बोल रहे थे कि और ये भी बोले कि मतलब ट्राई करो, मतलब एज इन लाइक बोल रहे थे इंटरनेशनल जो ट्रिप्स होते हैं वो ज्यादा थोड़े अलग होते हैं. तो वो भी एक पॉइंट था उनका कि और वो ये बोल रहे थे कि मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने सबसे पहले अपना जो ट्रिप स्टार्ट किया वो ऑन मतलब फॉरेन कंट्रीज का था, ऐसा कुछ भी नहीं. मेरा फर्स्ट जो ब्लॉग था वो हैदराबाद में, मैं ट्रेन में थी लोकल और मैं फैमिली ट्रिप पे गई थी. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एकदम हाई फाई और पैसे के चाहिए. उन्होंने भी एकदम ग्राउंड से स्टार्ट किया है. सो दैट्स व्हाट शी वाज टेलिंग. और ये सारी चीजें हैं, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके सीरियसली. सबसे पहले स्पीकर थे वो सत्येंद्र वर्मा करके हैं. जब अपना स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने बोला कि मैंने हाई जंप यहां से बैंगलोर से की है. तो ये सारी चीजें थी. तो फिर उनका स्काई डाइविंग का एक्सपीरियंस है और उनको अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है. मैं यहां से पढ़ के बता रही हूँ, ये मेंशन है, ये बुकलेट उन लोगों ने दिए हुए थे. तो ऐसा है. और उसके बाद जो नेक्स्ट थे वो देबल दे करके थे.
उनका मुझे उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा क्योंकि वो मेरे मतलब इंटरेस्ट से थोड़ा हटके था. वो फार्मर के उससे रिलेटेड थे कि उन्होंने एक प्लांट, वो जो अलग प्लांट मतलब वो कहीं उनको दिखा नहीं, तो बट उनको सारे प्लांट्स के नॉलेज है, तो उन्होंने मतलब बहुत साल लगा दिए उस प्लांट के बारे में पता करने के लिए कौन सा प्लांट है करके था. तो वो भी एक है. फिर उनके बाद वंदना सूरी आए थे, वो मुझे बहुत अच्छे लगे. वंदना सूरी जो है वो फाउंडर है एक्सी के, एक्स सी, मैं यहाँ राइट इट डाउन कर लेती हूँ आपको समझ में आएगा वो एक्सी क्या बोल रही हूँ मैं. और कैब सर्विस बाय द वुमेन फॉर द वुमेन, तो वो खुद वुमेन ड्राइवर रह चुके हैं और उन्होंने कैसे अपने इस स्टार्टअप को अभी बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है. तो प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं पूरी वुमेन और ये वुमेन सेफ्टी के ऊपर है. सो दैट्स व्हाट दिस वंदना सूरी इज ऑल अबाउट. तो ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे. और उसके बाद जो नेक्स्ट थे वो सारिफ दी रानगीकर थे. वो उन्होंने एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में बोला और उनका भी पॉइंट सारा बहुत सही लगा मुझे. और उन्होंने एक बुक भी ली है स्ट्रेट टू नॉर्मल. तो फिर उन्होंने उन्होंने मतलब ये दो तीन पॉइंट बोला, मैं उसको शॉर्ट में बताती हूँ. एक उन्होंने बोल रहा था कि उनका उनके जो फ्रेंड्स थे जो एलजीबीटी की कम्युनिटी पे ही थे, तो उन्होंने मतलब एक तो ऐसा होता है कि फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं क्योंकि वो इंडिया सेफ फील नहीं करते हैं. तो और सेकंड वो होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं. उनके भी दो फ्रेंड बता रहे थे जो यंग एज में सुसाइड कर लिए. थर्ड पॉइंट थर्ड ये भी होते हैं कि जो बिना कंसर्न के शादी कर लेते हैं और फैमिली प्रेशर काइंड ऑफ होता है. तो वो सारी चीजें इंडिया में अभी जल्द मतलब इंडिया को मोटिवेट करना है ये सारी चीजों में क्योंकि इंडिया अभी बहुत पीछे है सब चीजों के लिए. सो उनका स्पीच था, वो भी मुझे बहुत सही लगा. उनसे भी मैंने मिला यहाँ, उनका सेल्फी डाल दूंगी. बहुत सही है, वो दिल्ली से आए थे. सो ही वॉज ऑल्सो वेरी नाइस, आई रियली लाइक दैट. सो गाइज जो नेक्स्ट है वो रोहित महेश्वरी हैं. वो हेड ऑफ स्ट्रेटेजी एंड प्रोडक्ट्स एट सुबेक्स. रोहित हैज ओवर 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कंसल्टिंग, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स एंड डिलीवरी. सो उनका जो मेन एजेंडा था बोलने का वो ये था कि अगर आपको कोई भी अननोन लिंक आता है और आपको समझ में नहीं आ रहा है उस लिंक को क्लिक करने से क्या होगा, तो आप कभी भी उस लिंक को क्लिक मत करिएगा क्योंकि आप नहीं जानते कि वो लिंक क्या डेटा निकालेगा और क्या कुछ हो सकता है. वो ये इसमें कर रहे थे कि जो मुंबई बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था जो ताज होटल में, वो कैसे हुआ, उस पॉइंट को वो हाईलाइट कर रहे थे. द पर्सन हु आई वॉज मोस्ट एक्साइटेड फॉर लैरिसा, वो डिजिटल क्रिएटर है और मैं इनके बारे में पूरा पढ़ रही हूँ जो लिखा था, बिकॉज वाई नॉट. सो उनके बारे में लिखा हुआ है, वेन शी इज नॉट बिजी ट्रेवलिंग एंड फॉलोइंग हर पैशन टू क्रिएट क्वालिटी ट्रेवल कंटेंट फॉर हर फैंस, लैरिसा इज फाउंड क्यूरेटिंग फेलिज लैंड द ब्रांड सी को फाउंडर एंड ऑनलाइन स्टोर विच कैन बाय थिंग्स पर्सनली डिजाइन बाय हर. सी हैज सक्सेसफुली मेड हर मार्क बींग वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड इन्फ्लुएंसर विथ मोर देन 3,62,000 सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब. अ सेल्फ रनर एट हर्ट, Larrisa is an inspiration for all those who want to follow their heart and are scared to taking a leap ahead. So उनका जो स्पीच है वो मैं पूरा इसके बाद डाल रही हूँ, जरूर देखिएगा और मोटिवेट हुएगा क्योंकि वाई नॉट यार, मैं जो चीज सीखी हूँ मैं चाहती हूँ आप भी सीखे वो. तो दैट्स वॉट. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो फाउंडर थे वो इकोफेम के फाउंडर हैं. ये जैसमिन मिडेमा है, ये बेसिकली इंडोनेशिया से हैं जहां तक, और ये रहते हैं पौंडीचेरी में. तो ये है, इनका भी मुझे बहुत सही लगा. ये जो है दे प्रोड्यूस एंड सेल्फ वॉशेबल कॉथ पैड्स, प्रोवाइड मेंस्ट्रुअल एंड हेल्थ एजुकेशन एंड ओपन डायलॉग्स ऑन मेंस्ट्रुएशन ऑल अलोंग द वे. सो उन्होंने यही बताया कि मतलब वॉशेबल जो पैड है उनकी उनकी जो कंपनी वो कैसे बनाती है और वो और एक मेंस्ट्रुएशन कप जो आता है वो सारी चीजें हैं उनकी कैसे जरूरी है. और इंडिया में ही ऐसा है कि मतलब बहुत पैड यूज करते हैं तो उससे कितना ज्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान है और वो जो एक पर्टिकुलर पैड होता है उसको डिस्ट्रॉय करने में 7 to 8 years लगते हैं. सो दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर अवर एनवायरनमेंट. तो ये सारी चीजें पॉइंट बोली जो कि बहुत ज्यादा वैलिड था. You know, this felt like I had arrived. Now, definitely,
the applause and the validation from the public, from media, it made me feel great. It felt like I had arrived. But after a point, I realized that even though Wheel of Custom Made was generating a revenue, it wasn't enough to scale it. I mean, I couldn't grow it or expand it. Rather, I did not know how to do it. So which meant that I had no idea of the A to Z of business. I had no business mentor, I had no business background, and very honestly, no business in my blood. So just wanting to be a businesswoman at that point didn't really make sense. So I thought, you know what, I think I should give up on this Wheel of Custom Made company, rather project, and move on with life and do something that's real and move on to a regular job. You know who was the happiest at that moment? My father. He was really happy that I moved on to a regular job. And I remember feeling like a complete loser, feeling like a complete failure, because I had worked on through this project for so long, not for, you know, to give this up, but I had no other option. But back then, I remember, if I did not have been a customer then, I wouldn't have been amazing at all the things I'm good at right now. The things I learned from Wheel of Custom Made were things like online presence, how to deal with 20 odd customers and in turn increase your communication skills with brands, how to build a website on your own with a payment gateway, how to market your social media channels, and most importantly, even though you have the skills to be amazing at whatever you are, you need to have a team to expand and grow. So all of this away, I had to move on to a regular job. It was the March month of 2015 that I was appointed as a graphic designer at a media company, and I worked there for 3 months and I quit because I got a better job after that, and it's definitely nothing I'm proud of. I totally regret it, but that showed how stupid I was with my decisions which came at making a job. I didn't know what to do when I was at a job, or what to do with it rather. So now when I look back at it, I know that I should have learned how to build a team, how to build my relationships at a company, and everything to do with that. So moving on to the new job that I got at a social media analytics app, I was appointed as a graphic designer again, and I worked there for a year and a half. After I worked there for a year and a half, I repeatedly started working on my YouTube channel and my Instagram, and I did really well on that. I worked so hard on it. I remember that only because my office was really far away from home, I rented up a space that was close to my workspace, and I started living there. And on weekends, I used to work so hard on my YouTube channel. I used to film, edit, and upload it, and work on my Instagram. I worked really hard, and that was the ultimate hustle. It was something that I really enjoyed. But after a year and a half, the company policy started changing, and they mentioned how they had to downsize the company. Now, when this happened, it was the 25th of August. Today is the 25th of August, by the way. This happened on the 25th of August, 2016. And I remember 10 to 15 people were supposed to be fired from the company, and I was one of them. So I was fired overnight without any notice. I was asked to leave immediately. Now when you're fired, you know what happens, right? I broke down and I didn't know what to do with my life. My world fell apart and I knew I had to pay EMIs, I had to pay bills, I had to pay my rent, and everything was due. It just shook me so much. But somehow, even though I felt humiliated, I knew that something kept me calm. It made me realize that, you know, the past experiences of rejections for college and everything else, it's made me accustomed to this and it's made a routine, and now I know how to rise up from my failures. So I knew there's no other option. I had to go on with my YouTube channel. I was very, very calm when I was fired. And I came back, I started working really hard on my YouTube channel, and I went on with it. If it was a few years ago, I wouldn't have been that strong. So after that, after 2016, I've only seen my career take off.
and I've never ever ever looked back. And only when I look back, the only things that I look at are the things that I've learned from these situations and from my failures, and the fact that everything happens for a reason. Now, in the past 3 years, I have found my passion and I live by it. I have squeezed the hell out of it and I failed. Mind you, I still keep failing. I fail a lot of times. But I know how to rise and how to get better at it and come back with a better idea. It's been 14 countries that I've traveled to, 14 different countries, and I've worked with the world's biggest companies and brands. And I'm glad that teenage Larrisa was strong enough. She was rebellious, and mostly she was very, very resilient, and she did what her heart felt like doing. I know it's been 8 years, and it's taken me 8 years to be where I am today, but you know what? Nothing happens overnight. There's nothing like instant gratification, I know, but nothing happens overnight. Because even Rome wasn't built in a day. And you know, just like I've made my mistakes, I'm sure even when they built Rome, they replaced a few pillars and stones here and there. And you will do too. But remember that when failure comes at you, you accept it, you acknowledge it, but rise from it and come back with a better idea and better plan. Tackling it very smartly. Remember that your journey is not going to be something that you ever, ever, ever want, but it's going to be something that you need, that you really need. So be nice to yourself, and the most importantly, grind your teeth at failure. Grind your teeth, be courageous, be resilient with so much persistence, that when failure comes knocking at your door, you know you have to take a good laugh at it, but wait, and wait, and wait, and learn from it. That's all from my today's video. I hope you guys found it helpful. Agar thoda sa bhi helpful laga hai, toh please don't forget to like this video and don't forget to share this knowledge with your friends and family. So that agar unke bhi city mein ho raha hai, toh wo zarur jaake dekh ke ek bar experience lena toh bahut zyada zaruri hai. Yeah, guys, if you're new to my channel, then please consider subscribing and don't forget to press that bell icon as well to get notified all the time. And yeah, guys. I'll see you on my next video. Till then, take care of yourselves. Bye-bye.